अच्छा नौशीन, ये बताइए कि एबटाबाद से आपका ताल्लुक? बिल्कुल। तो एबटाबाद में आपने सोचा कि आप एक्ट्रेस बनेंगी? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे हुआ इसे? एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन एबटाबाद, मेरी पैदाइश वहाँ की है। मैं जब 6-7 साल की थी तो वी ऑल मूव टू, हम सारे कराची शिफ्ट हो गए। ओके। फिर जब मैं कॉलेज में थी तो आपको पता है लोग नए चेहरे ढूंढते हैं, तो वो टीम थी, दे केम टू हमारे कॉलेज आए, तो 16-17 साल की थी मैं उस वक्त। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये बहुत प्रिटी है, शी इज़ वेरी प्रिटी, जस्ट कॉल हर। मैं भी छलांग मारती भी चली गई, यस मैम, जी मैम। तो उन्होंने कहा ये दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई सेड यस, एंड दे सेड दिस इज़ आवर विजिटिंग कार्ड, लीजिए घर जाइए, अपनी वालदा वाले से पूछिए। अच्छा। और अगर आपको वो इजाज़त देते हैं तो आप, और पूछ लिया उन्होंने कि आप आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, एंड आई वाज लाइक वाओ। वालदा मेरी बहुत सख्त, मतलब बहुत ही, हाँ हाँ, उन्होंने मुझे बहुत मारा था। मतलब उस जमाने बहुत सख्त क्या मतलब उस जमाने को, बिल्कुल ही बाबा मेरी अम्मा यकीन करो दूसरा परोठा चुकता तो डोई पै जाती थी ठाकर। नहीं उस जमाने में थोड़े इतने कोऑपरेटिव नहीं थे, आजकल क्यों ज्यादा हो गए? आपको पता है हमारे पेरेंट्स का तो स्पेशली माएं जो होती हैं वो बच्चों को या तो बहुत प्यार होता है या फिर यानी कहने का मकसद ये है कि देखा ये गया है कि हमारी शोबिस में एक्टर को प्रूव करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो आपको वो पापड़ बेलने नहीं पड़े, आप बहुत जल्द आपको ब्रेक थ्रू मिल गया और आप निकाल शुरू कर दिया। नहीं, ब्रेक थ्रू का तो मुझे लगता है कि अभी भी हम उतनी ही मेहनत करते हैं, बेशक अभी भी हमें उतना ही दिलो जान से जी जान लगा के काम करना पड़ता है। वो कॉम्पिटिशन मुझे लगता है डे बाई डे इट्स गेटिंग मोर सीरियस, यू नो इट्स टफर देन एवर। मैं लेकिन अपने आप को लकी कंसिडर करती हूँ बिकॉज आई वर्क अलॉट विद PTV, तो उसकी जो ट्रेनिंग थी वो जो CR DR 3-3 कैमराज पे शूट होती थी। चले इस पे और बात करेंगे, वो वाले हो गए। मैंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है, मैं बॉल फेंकता हूँ उठा के लाता है मेरे हाथ में, बॉल फेंकने के बाद उठाई जाती है। नहीं नहीं ये मुंह से लाता है, ये मुंह से नहीं यार, वो तो कोई जानवर होता है जो मुंह से उठा के लेके आता है। एनु इंसान समझ हम मीन